जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं हवलदार राजेश पुद्दार सेना में जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। मैं ये वीडियो काफ़ी आहत होकर बनाया था। आँख में आंसू है, दिल में दर्द भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जुबान कहता है कि हमारी न्याय आप लोग जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने जो ये एक छोटी क्लिप देखी है, सेना के एक हवलदार हैं, जवान हैं, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। 6 मिनट का इनका वीडियो है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई है। इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, ताकि महोदय, मैं ये वीडियो विषम परिस्थिति पे बना रहा हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपनी जान माल की हिफाजत चाहता हूं, जबकि मैं आपके जान माल की हिफाजत करने के लिए यहां खड़ा हूं, लेकिन मेरे जान माल को प्रशासन के सामने मैं झारखंड राज्य के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के ठाकुरवंती प्रखंड का खरखुदिया गांव का रहने वाला हूँ। विगत एक साल से मैं काफ़ी परेशान हूँ। जिसके लिए मैंने अपनी सारी समस्या यूनिट में बताई। श्रीमान, डिसीजन आने के बाद 14 अक्टूबर को दिन 9 बजे मेरी माँ को अपहरण कर लिया गया। आज 16 तारीख है। 3 दिन से हम दोनों भाई बॉर्डर पे रहकर भी कुछ खाना पीना नहीं खा पा रहा हूँ। मैं श्रीमान सीएम महोदय हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह महोदय, भारत सरकार, प्रशासन को आवेदन दिया और अपनी आशंका जाहिर की कि मुझे मारने की प्लानिंग बना रखा है। प्रशासन ने एप्लीकेशन लिया लेकिन रिसीविंग नहीं दिया, और ऐसा ही हुआ। प्रशासन थाना से लौटते ही मेरे ऊपर गिरीश साहब फादर सुकड़ू साहब, दिलीप साहब फादर सुकड़ू साहब, निर्मल साहब फादर सुकड़ू साहब, निर्मल साहब का भाई फादर चमकलाल साहब और कई अज्ञात लोगों को लेकर मेरे ऊपर टूट पड़ा, जिसमें मुझे काफ़ी चोटें आई और मुझे हॉस्पिटलाइज होने पड़ा। मैं 6 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। फलता मीडिया झारखंड की सरकार जो इनके साथ अन्याय कर रही है, वहां का पुलिस प्रशासन इनकी सुनाई नहीं कर रहा है। कुछ दबंग लोग, यानी इनकी लड़ाई जो कोर्ट से भी जीत चुके हैं, वहां के डीएम ने भी आदेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद दबंगों ने इनकी माता जी को किडनैप कर लिया। परसों 3 दिन से इनकी माता जी लापता है। ये छुट्टी गए तो इनके साथ भी मारपीट की गई, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब आपके ऊपर है, जैसा कि इस वीडियो में सैनिक ने कहा है कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम वहां बैठे हैं। आप लोगों में ये मत, पूरा देश आ गया, हमारा परिवार भी उसमें है,
हम सबकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हमारे परिवारों की रक्षा कौन करेगा। हालांकि एक बात और है, इन्होंने बताया कि इनके सीओ साहब ने भी बाकायदा डीओ लेटर वगैरह सब कुछ दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। इसका कारण क्या है? मैं इसके लिए हमारे जवान जैसियो और अफसर साहिबान को हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जमाना था कि हमारे अधिकारियों का अगर डीओ लेटर आ जाता था तो पुलिस प्रशासन की या जो भी ऐसे दबंगों की लातें कांपती थी कि भाई अब सैन्य एक्शन ले लेके, इसलिए पीछे हट जाते थे वो, और सैनिक को न्याय मिलता था। वो रुतबा था, और वो रुतबा क्यों था कि सेना के अधिकारी समय समय पर जवान का मतलब इस तरह साथ देते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई दबंग हो, उनका ढंग से इलाज करती थी। उसके उदाहरण में दे सकता हूं, जैसे एक बार अजमेर में एक नायक की फैमिली को एक पुलिस वाले ने कुछ गलत बोल दिया था, और वहां के आसपास के पुलिस स्टेशनों में जाकर सीओ के आदेश से उनकी ऐसी धुलाई ऐसा इलाज किया था कि आगे आने वाले कई सालों में वहां की पुलिस ने आंख नहीं उठाई थी फौजी पर। इसी तरह ग्वालियर में हुआ था, वहां भी सीओ साहब ने पहुंचकर इलाज किया था। इसी तरह आसाम का मामला है, इसी तरह एक बार एमपी में ही कुछ दबंगों ने फौजी को कहा था और वहां सीओ साहब ने उसको भेजकर दबंगों का इलाज कराया था। तो वो रॉयल अफसर थे जो जवान को किसी भी उसमें, क्योंकि उन्हें पता था मेरे देश इन सैनिकों की वजह से चलता है और इन सैनिकों की समस्या मेरे लिए प्रायोरिटी पे थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे हमारे अधिकारियों का रुतबा, अभी भी मेरे ऐसे बहुत से मामलों के लिए मैं कोर्ट वगैरह में जाते रहता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, तो वहां के जज तक बोलते हैं कि आर्मी अफसर की पावर पहले बाहर तक थी लेकिन अब उनका दायरा अंदर सिमटा हुआ है, बाउंड्री के अंदर, तो आज भी उनकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जज तक बोलते हैं कि उनकी बाउंड्री के अंदर के मामले को इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सिर्फ जवान को दबा कर रखने वाले, चाहे वो सहायक प्रथा हो चाहे उसे घरेलू काम कराना, ऐसे बहुत से काम हैं जो तो अभी भी करवा रहे हैं, वहां पावर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे बाहर मामले में आपकी पावर खत्म होती जा रही है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार आपकी शक्ति, जैसे बजरंगबली कुछ शराब के कारण शक्तियां भूल गए थे, वैसे शक्तियों का प्रयोग कीजिए। और हमारे कुछ संगठन हैं जो, उनमें मैं भी शामिल हूं, हमने भी आपस में खूब अफसरों को गालियां, जवान जैसियों आपस में लड़ रहे हैं, हमारी आपसी फूट का फायदा ये दबंग और इस तरह पुलिस के कुछ लोग जिन्होंने फौज की इज्जत को जीरो कर दिया, मन चाहे जो पुलिस को जवान को थप्पड़ मार रहा है, कोई पकड़कर जेल में डाल रहा है, बल्कि नियम कानून क्या कहता है कि फौजी को कब जेल हो सकती है, कब उसके साथ कोई हाथ उठा सकता है, वो पावर हमने भी खत्म की आपस में लड़कर। तो मैं चाहूंगा हमारे अफसर साहिबानों को कि जवान जैसे और अफसर कोई ऐसा संगठन तैयार हो जो मिलकर ऐसी चीजों के लिए एक बार फिर लड़े, जवान की खोई हुई इज्जत को पुनः संगठित करें। इसके लिए पहल हमारे अफसर साहिबान को करनी होगी, उन्हें समय के अनुसार कुछ चीजें छोड़नी होगी। जैसे पहले ही हम कहते हैं, हमारे बहुत से साहब लोग राजनीतिक में भी आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपको एमपी एमएलए या कुछ भी बनना है हम बनाएंगे जी जान से, लेकिन आप जो कुछ बुराइयां हैं, चाहे वो सहायक प्रथा की कुप्रथा है या इस तरह जवान के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो पहले उसे सारे वेलफेयर दिए जाते थे सभी नियम कानून तोड़कर, लेकिन अब तो उसके सम्मान तक को लिए नियम कानून आ गए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपकी पावर है जो अगर इस्तेमाल करो तो एक जवान और उसका परिवार सड़कों पर नहीं आएगा। आज तो मैंने देखा है कि शहीद का स्मारक टूट जाता है, उसकी वीडियो दर दर भटक रही है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, वो बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रही, और अगर सीओ को उनको फोन करें तो बोले हम क्या करें। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमको संगठित होना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ कि बोलते हैं ना कि एक जगह रखे हुए बर्तन खुड़कते हैं, हमारे और आपके मन भेद हैं, चाहे हम सहायक प्रथा के हैं, चाहे एमएसपी की लड़ाई है और लड़ाई है, हम लड़ेंगे, लेकिन बाहरी मामलों में तो कम से कम एक हो जाओ। कुछ एक हमारे संगठन ओपनली
बहुत ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें अफसर उनकी वाइफों के लिए बोलते हैं। हालांकि मैंने कभी भी, मैंने बहुत गलत अधिकारियों को गालियाँ दी है सिर्फ और सहायक प्रथा के लिए, या जवान को कोई तंग करता है तो उसके लिए, वरना मेरे दिल में आज भी आर्मी और आर्मी के अधिकारी बहुत अच्छे हैं जिनसे हम संपर्क में भी हैं, और मैं फिर कहता हूँ अच्छे अधिकारी को जय हिंद, सल्यूट करता है रविंद्र को जी। सिर्फ जो गलत है तानाशाही, यानी सिर्फ सहायक नहीं गया तो उसको सजा देना, ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं जिनको मैं जल्दी इसमें डालूंगा। पहले मैं उनको अवगत कराता हूं कि साहब सुधर जाओ, जब वो अपनी पावर गलत दिखाते हैं तब हम गाली गलौज का इस तरह की भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जिसके लिए मैं फिर कहता हूं कि मैं गलत हूं तो मैं कहीं भी, आप जहां बोलोगे मैं आपके आगे माफ़ी मांग सकता हूं, आपके पैर भी पकड़ सकता हूं, लेकिन ये जवान की गिरती हुई इज्जत, आपके लेटर के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, या जवानों को इस तरह सिविल में कोई भी सिविलियन मार रहा है, पुलिस वाले मार रहे हैं, उस पर जरूर कुछ एक्शन लें अगर मेरी बात से कुछ हो तो, वरना अगर ये लोग नहीं तो सिविल पब्लिक से जरूर कहना चाहूँगा कि कम से कम आप तो पहल करें, आप शहीद के लिए, जवानों के लिए, इनके लिए आवाज़ उठाते हो तो इस जवान के वीडियो को भी इतना शेयर करो कि झारखंड सरकार को, उस सोरेन महाराज को शर्म आए और वो करें। और राहुल गांधी जी से भी कहना चाहूँगा, आपने अमृतपाल के लिए जितना जोर लगाया, आम आदमी को भी कहना चाहूँगा कि आप इनके लिए जोर लगाएं, और राहुल गांधी जी वहाँ तो आप ही की सरकार है, अगर आप एक इशारा करें तो इस जवान को न्याय मिल सकता है, उन दबंगों की जहाँ जगह है उन्हें वहाँ पहुँचाया जाए, फौजी को न्याय मिले। जिनको लगता है सही है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं हमारे जवान साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि ये चैनल आपका है, मैं इसमें बल्ले बल्ले वाली या झूठी इधर उधर की खबरें नहीं डालता हूँ, ना मेरे कोई यूट्यूबर बनने का मकसद है, मैं एक जवानों को संगठित कर रहा हूँ, जवानों को मैं जो भी ऐसे काम है उनके लिए प्रेरित करता हूँ, उनको आत्माओं को जगाता हूँ, उसके लिए मैं चैनल खोला है, ये सब आपका चैनल है। कोई भी समस्या होती है आप मेरे तक भेज सकते हैं, मेरा नंबर मैं हर वीडियो में देता हूँ 8290354513 8290354513। कोई भी समस्या है आप हमारा तक भेजो, ये चैनल आपका है, आप जो भी वीडियो हमारे तक आता है मैं इसमें पोस्ट करता हूँ, वो चाहे मेरे खिलाफ ही हो, तो भेजो चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, इस परिवार को बढ़ाओ, और ऐसे लोग बढ़े, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई मान सम्मान की है, इज्जत की है, पैसे के लिए रविंद्र भूजी लड़ाई नहीं करता। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको पैसे चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो बढ़ाने हैं तो बहुत से चैनल हैं उनसे जुड़े, मेरे लिए देश की इज्जत, वर्दी की इज्जत और जवान की इज्जत फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, और अंग्रेजों के गलत नियम कानून खत्म करना वो मेरी प्रायोरिटी है। वीडियो देखें, शेयर करें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।